गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे आई विल कंटिन्यू आवर एक्सरसाइज नंबर 2 वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन ऑफ चैप्टर नंबर 3 एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। आज की क्लास में हम क्या करेंगे, अपने जो आगे के जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ए टू बी, ए एंड बी क्वेश्चन हैव ऑलरेडी डन इन योर कॉपी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सी, देयर वर 98,76,576 बैग्स ऑफ शुगर इन अ गोदान, यानी एक गोदान है उसमें क्या है 98,76,576 क्या है शुगर के बैग्स रखे हुए हैं। इफ 87,23,456 बैग्स हैव बीन सोल्ड, अब उसमें से इतने जो बैग्स हैं नंबर ऑफ बैग्स इनको क्या है सोल्ड यानी बेच दिया जाता है। सोल्ड का मतलब सेल करना, बेचना। हाउ मेनी बैग्स आर रिमेनिंग इन द गोदान, तो गोदान में अब कितने रिमेनिंग का मतलब होता है कितने बैग्स बाकी बचे हैं वो बताने हैं। तो सबसे फर्स्ट ऐसे क्वेश्चन जिसमें टोटल जितने बैग्स थे उनमें से अगर हम सेल करेंगे कोई भी चीज़ तो वो क्या चीज़ होगी, कम होगी ना हमारे पास। तो जब चीज़ हमारे पास जितनी होती है और उनमें से हम किसी को सेल कर देते हैं किसी को दे देते हैं तो इस कंडीशन में क्या होता है, चीज़ें हमारे पास जो होती है उतनी कम हो जाती है टोटल में से। तो कभी भी कोई भी चीज़ कम होती है तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। क्या करते हैं, माइनस करते हैं। ठीक है, माइनस क्यों करते हैं, क्योंकि हमारे पास से वो चीज़ें क्या होती है कम होकर रिमेनिंग जो लेफ्ट रह जाती है उससे में ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं सब्ट्रैक्शन करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर सी एक्सरसाइज 2। ठीक है, क्वेश्चन सी, टोटल नंबर ऑफ बैग्स ऑफ शुगर या कुछ भी लिख सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ बैग्स शुगर बैग्स या बैग्स शुगर बैग्स लिखते हैं। स्टेटमेंट तो थोड़ी बहुत चेंज भी हो सकती है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 98,76,576 ओके, एंड बैग्स जो कितने बैग्स हैं उनको सेल कर दिया है, जो बैग्स को जो सोल्ड कर दिया बैग्स हैव बीन सोल्ड। यहाँ मैंने लिख दीजिए नंबर ऑफ बैग्स, नंबर ऑफ बैग्स आपको मैं इसी में से बता रही हूँ आपके लिए क्वेश्चन में से स्टेटमेंट भी सोल्ड ताकि आपके लिए लिखना इसमें क्या है इजी है। ठीक है, इसी में से मैंने कोई अलग से ही लिखवाई है स्टेटमेंट 87,23,456। दोनों में एक चीज आपको ध्यान रखनी है, डिजिट्स को नीचे वाले डिजिट को कैसे लिखना स्टार्ट करना है। अगर आप सेम नंबर है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इसे सेवन डिजिट नंबर है, ये भी सेवन डिजिट नंबर है, जब दोनों नंबर ही सेम डिजिट नंबर हो तो आप आगे से लिखना स्टार्ट कर सकते हो, अदरवाइज वंस वाली साइड से आपको डिजिट लिखना, ये जो नीचे वाले डिजिट होते हैं ना उसको पीछे से लिखना स्टार्ट करना है। ठीक है, एंड देन सब्ट्रैक्ट बोथ ऑफ द नंबर 6-6 0, 7-5 2, 5-4 1, 6-3 3, 7-2 5, 8-7 1, 9-8 1। अनसोल्ड ये क्या, हाउ मेनी बैग्स आर रिमेनिंग इन द गोदाम, तो बैग्स आर रिमेनिंग नंबर ऑफ बैग्स आर रिमेनिंग या रिमेनिंग बैग्स भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, मैंने लेकिन आपको इसी में से क्वेश्चन में से स्टेटमेंट करो लिखवाई है ताकि आपके लिए ईजी रहे, इसलिए मैंने लिख पाई। ठीक है, सेम क्वेश्चन डी भी एज इट इज है, इसमें इतनी कॉपीज है, ठीक है, बुक्स की कॉपीज
एक ईयर के दौरान जो है 37,45,863 बैग्स तक जो बैग्स ऑफ मिल्स है वो क्या है इतने आउटलेट्स होते हैं डेली में. इफ द सेल ऑफ और उसमें से सेल कितनी होती है जो मिल्क के बैग्स है वो नेक्स्ट ईयर में सॉरी एक बार इसमें और कुछ दिया हुआ है. इफ द सेल ऑफ मिल्क बैग्स इन द नेक्स्ट ईयर रिड्यूस्ड बाय जो रिड्यूस का मतलब होता है कम हो जाता है कमी हो जाती है उसमें 48,632 की क्या हो जाती है बैग्स ऑफ जो मिल्क होती है वो क्या होती है उसमें रिड्यूस हो जाती है. ठीक है हमेशा 37 लाख समथिंग क्या होती है सेल होती है लेकिन कमी कितनी हो जाती है नेक्स्ट ईयर में 48,632 की कमी हो जाती है. ठीक है सेलिंग में तो व्हाट वाज द नंबर ऑफ मिल्क बैग्स सोल्ड इन द नेक्स्ट ईयर तो कितने बैग्स सोल्ड किए हैं कमी हो जाती है उसको माइनस करना है. अगर रिड्यूस हो जाता है रिड्यूस का मतलब कमी होती है उसको क्या करना है माइनस करना है उतने जो है बैग्स क्या होंगे सेल होंगे. तो मैं क्वेश्चन आंसर बता देती हूँ आपको. टोटल नंबर ऑफ सोल्ड बैग टोटल नंबर ऑफ सोल्ड बैग reduce back.